पार्क में मैंने अपना पहला व्लॉग शूट किया था और आज देखो मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, दोबारा इसी पार्क में। वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज मी विक्रम। खास नहीं बना रहा हूँ, बस आज वीक ऑफ है और मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है तो सोचा किसी एक वॉक के लिए चला जाता हूँ या बेसिकली रनिंग के लिए आया हूँ। सो यहाँ कोई नहीं आता, लाइक लिटरली रोड के बीच में चल रहा हूँ, कोई नहीं है। और क्या है, जिम में कार्डियो करने का ना मेरा बिल्कुल मन नहीं होता, क्योंकि जिम में क्या, अब एक ट्रेडमिल पे भागने का मेरा बिल्कुल मन नहीं होता, क्योंकि मेरे हिसाब से रनिंग इज़ लाइक मूविंग फॉरवर्ड, और एक जगह पे खड़े होकर भागने में मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आता। प्लेन जा रहा है, प्लेन साला, यहाँ भी प्लेन, घर पे भी प्लेन, कहीं आवाज़ नहीं आने देते साला। सो रनिंग करते टाइम ये होता है कि थोड़ा भागो, फील होता है कि हाँ आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ने वाली फीलिंग आती है ना, वो बढ़िया लगती है, इसलिए मेरे को ट्रेडमिल में भागने में मज़ा नहीं आता। ये मेरा मानना है, तुम्हें लग रहा होगा चोरी कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा मानना है। ये रोड है, ये इधर से आता है और मैं जा रहा हूँ अभी इधर की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से मुझे यहाँ से लेफ्ट नहीं राइट टर्न लेना है। लेफ्ट राइट ख़राब हो गया, मैं पता नहीं क्यों मैं लेफ्ट बोलता हूँ ना, लेफ्ट बोलता हूँ तो राइट की तरफ देखता हूँ, मुझे लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ। मेरा लेफ्ट और राइट ना पूरा ख़राब हो चुका है, तो जब मैं लेफ्ट बोलूँ समझ जाना मैं राइट बोल रहा हूँ, राइट बोलूँगा तो समझ जाना लेफ्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं चूतिया हूँ, तुम नहीं हो ना तो तुम समझ जाना, ठीक है। चलो मेरा आगे ट्रैक जहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, अब भागते भागते वीडियो नहीं बना सकता, कहीं फ़ोन रखूँगा नहीं, क्योंकि ये रोड ऐसा है कि हाथ से फ़ोन छीन लेता तो कहीं रख दूँगा तो और उनको मौका देने वाली बात हो जाएगी। पूरा रोड एंड करके मेरे को जाना है, अब एंड में जाके रुकूँगा, उसके बाद वहाँ का सीन दिखाता हूँ, तब तक यहाँ से जाऊँगा मैं रनिंग करके, ठीक है। सो सी यू देयर, लेट्स गो। सो रोड क्रू कंप्लीट करके मैं आ गया हूँ यहाँ पे एक पार्क है, और उस तरफ आपको कुआं दिखाया था उस दिन, इधर ये शाहबाद का फाटक पड़ता है सामने, मुझे जाना है इस तरफ लेफ्ट, तो चलते हैं। ईयरफोन लाया हूँ ना कुछ और, सिर्फ फ़ोन है, बिना म्यूज़िक के भागना पड़ रहा है, और मज़ा इसी में आता है क्योंकि हाथ पैर फ्री रहते हैं मेरे, मेरा ब्लूटूथ वाला सेट नहीं था मेरे पास, ईयरफोन जो होते हैं वायर वाले वो होते, अब वो लगाओ फिर जेब फोन में रहता, हिलता रहता सब चीज़, तो बेटर रहता है कि बिना किसी फ़ोन के बिना किसी चीज़ के, ब्लूटूथ वाला है तो बढ़िया है, अनलेस बिना किसी चीज़ के भागता हूँ तो ज़्यादा मज़ा आता है। चलो अब मुझे मेरा सेकेंड राउंड है, ट्रैक है मेरा सेकेंड ट्रैक है ये, मैं वहाँ पीछे से आया था अभी राइट साइड से, अब मुझे यहाँ स्ट्रेट जाना है और इस रोड के एंड पे मिलता हूँ मैं आपसे, बस ये इतनी दूर का मैं थोड़ी दूर का वॉक लेके चलता हूँ, उसके बाद मुझे यहाँ से स्ट्रेट जाना है पूरा, फिर वहाँ एंड में रुकूँगा, वहाँ से थोड़ी देर का वॉक लूँगा, देन अगेन कंटिन्यू ऐसे रुक रुक के, और मेरी स्पीड रहती है हाई, मैं ज़्यादा स्लो भागता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जो ट्रेनर है उन्होंने बोला थोड़ा स्प्रिंट मारा कर इसलिए, तो रोड के एंड पे मिलता हूँ मैं आप लोगों को। मेन ट्रैक ख़त्म हो गया, मैं वहाँ से भी भाग के इधर आया हूँ जहाँ से रोड दिखाया था आपको, अब यहाँ से मैं लेफ्ट टर्न लेके यहाँ से थोड़ी दूर वॉक करके जाऊँगा, यहाँ मेट्रो स्टेशन है द्वारका सेक्टर 8 का, देन वहाँ से लेफ्ट लेके विल कंटिन्यू। लिटरली काफ़ी दिनों बाद भाग रहा हूँ, तो मेरे को ऑलमोस्ट जो 3-4 महीने हो गए होंगे मैं रनिंग करने, लास्ट टाइम जब आया था सो मेरा फॉर्म बहुत बिगड़ गया, भागते टाइम बहुत ज़्यादा मोमेंट हो रही है, स्ट्रेट नहीं भाग पा रहा हूँ और थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन एटलीस्ट जहाँ तक सोच रहा हूँ वहाँ तक पूरा कंप्लीट कर पा रहा हूँ रूट को, तो वो अच्छी बात है, तो अब कोशिश करूँगा कि रोज़ रेगुलरिटी अपनी गाड़ियों में ऐड कर सकूँ, क्योंकि जिम में मेरा मन ही नहीं करता, सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, और ज़्यादातर होता है जिम में कि लड़कियाँ उसको ऑक्यूपाई करके रखती हैं, तो मेरा वैसे ही मन नहीं करता, तो मैं अब कोशिश करूँगा कि वर्कआउट के बाद यहीं आ जाया करूँ, क्योंकि यहाँ पे बड़ा मज़ा आता भागने में, कोई नहीं होता पूरे रोड पे। सो मेट्रो स्टेशन आ गया, अब यहाँ से लेफ्ट लेके कंटिन्यू करते हैं। दिस इज़ द मेट्रो स्टेशन ऑफ द्वारका सेक्टर 8, और यहाँ से आगे जाना है हमें डायरेक्ट सीधा, फिर वहाँ से लेफ्ट। ऐसे मौसम में अगर तुम्हें किसी की याद आती है, किसी को मिस करते हो, तो मुझे कमेंट करके बिल्कुल मत बताना, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, ठीक है।
ठीक है, तो ये सब बातें अपनी अपनी गाड़ी में दबा के रखो, मेरे को मत बताया करो। चलो, इधर बारह खंबा की साइड में जॉब कर रहा था, तब मैं इसी रूट से जाता था और यहाँ इसी वाले मेट्रो से जाता था, सेक्टर 8 वाली से। और आते आते मेरे को मेरा ऑफ होता था कितना 5:30 बजे, लेकिन मुझे लेट हो जाता था बिकॉज मैं किसी की इंतज़ार में रहता था बैठा हुआ चूचों की तरह। सो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, तो जिम जाओ या जॉब करो, कहीं पे भी जाओ, अपना काम ख़त्म होता है ना तुरंत घर निकल के आ जाया करो, क्योंकि घर पे माँ बाप वेट कर रहे हैं। और किसी का तुम वेट करोगे उससे कोई लौड़ा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उसका इतनी देर से वेट कर रहे हो। मतलब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, बस समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इतने चूतिए तो तुम नहीं हो, समझ जाओगे। अब चोरी बंद करते हैं, रनिंग स्टार्ट करते हैं। चलो, तरफ से आए थे राइट साइड से, अभी हमको जाना है यहाँ पे, डायरेक्ट सीधा जाएंगे, ये रोड यहाँ पे राइट में जाके ख़त्म होता है, वहाँ जाके रुकेंगे, दिन वहाँ से थोड़ा वॉक करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। तो चलो चलते हैं। देखो बस का वेट कर रहा बेचारा, ये उधर से आया हूँ मैं अभी, और यहाँ ये पार्क था बहुत बढ़िया, इसको पूरा तोड़ दिया है, कुछ पता नहीं क्या बनाना चाहते हैं। और अब ये वाला रोड है, यहाँ से थोड़ी दूर चल के जाएंगे, फिर मन करेगा तो भागेंगे, नहीं तो नहीं भागेंगे, क्योंकि हमारे कितने सेट हो गए, 1, 2, 3 सेट हो गए हमारे स्प्रिंट के। तू चला जा, बहुत चढ़ गया अभी यहाँ से, 3 सेट हो गए हमारे स्प्रिंट के, अब ज़रूरी नहीं है कि 4 मारने। सो अंदर जाने का मन था, लेकिन इतना कीचड़ है, इसमें से जाऊँगा तो मज़ा आ जाएगा, इसलिए नहीं जा रहा हूँ। यहीं से चलते हैं, रोड से साफ़ सुथरा है। चलो अभी जब मैं पीछे से आ रहा था तो मुझे एक अकेली लड़की दिखी भाग रनिंग करने, वो भी आई थी। सो कभी भी ऐसी सिचुएशन मिले तुम्हें तो उसका फ़ायदा उठाने की मत सोचा करो, क्योंकि तुम्हें फंसना बाद में उसमें, ठीक है। सो कभी भी ऐसा कुछ दिखे अपने काम से काम रखो, अपना रनिंग कंप्लीट करो, घर जाओ, सो जाओ, ठीक है। कभी भी आगे बढ़ के हीरो बन के बात करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रली गाड़ मार लिए पूरा पार्क की, देखो पूरा। और यहाँ से गाड़ी वाले साले एकदम इतनी पगल में से लेके जाते, एकदम चिपका चिपका के, देखो एकदम, मतलब गाँव में घुसेंगे साले मेरी। मौसम वैसे बहुत ज़्यादा सुहाना है, सो हमको किसी बात का कोई बुरा नहीं लग रहा है। रोड इतना लंबा है कि बस चलते जाओ, ये भी हैंड के लोड़े सर, चलते जाओ, साला फील ख़राब कर देते हैं। बहुत सुंदर पार्क है, कभी आइएगा मन करेगा तो। ये सेक्टर 8 द्वारका मेट्रो स्टेशन से बाद में आता है, यहाँ नाला भी है, हरियाली भी है, बादल भी है, बूंदे भी हैं, बारिश भी है, सब है। चलिए, स्नोफॉल होती है ना हल्की हल्की एकदम, वैसे बूंदे पड़ रही बारिश की एकदम, इसको क्या बोल सकते हैं, रेनफॉल, वाटरफॉल, जो भी हो रहा है, मज़ा आ रहा है। एक बार स्कूल से बंक करके मैं इसी वाले पार्क में आया था, वो भी सर्दियों के टाइम पे, लाइक जब एकदम एक्सट्रीम ठंड पड़ती है ना, लाइक जनवरी के टाइम पे, उस टाइम पे। और पार्क में, और पार्क में 2-4 चूतिया बच्चों को छोड़ के कोई नहीं था मेरे अलावा, और मैं चूतिया आदमी एक टी शर्ट पहन के घूम रहा था जनवरी के टाइम पे, मेरी गांड पड़ गई थी सही में इतनी ठंड से। थोड़ी देर बाद उन बच्चों ने आग लगाई, बकड़ी जमा करके, मैंने थोड़ी देर उसमें गांड सेकी, तब जाके रात मिली, फिर मैं आधे दिन में घर चला गया, बोला कि मेरा हाफ डे था। हो शहरी, मतलब बंक मारना तो अगर तुम्हारे पास फ्रेंड नहीं, क्योंकि मेरे पास फ्रेंड ज़्यादा नहीं थे, मैं अकेले ही बंक मारता था, तो कभी ऐसे मारना तो पूरा दिन घूमने की जरूरत नहीं, आधे दिन घूमो और आधे दिन बाद बोल देना कि मेरा हाफ डे था, इतना ईजी है। ये साला सर के ऊपर से यहाँ प्लेन ले जा रहा है हैंड कलर, मानसी को वहाँ लगा के गया था सामने, अब वहाँ से उसको पिक करूँगा, देन चलेंगे घर, तेरे ही अपनी मानसी। और तूने मिस तो नहीं किया बहन मेरे को, 2 मिनट यहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। अब यहाँ से चलते हैं, 1 मिनट अंदर देख के आते हैं, क्योंकि यहाँ हम खेलने आते हैं, बचपन से यहीं आते हैं। सो देखते हैं यहाँ कुछ है बचा कुछ है, ये पार्क की भी माँ मैंने एक कर दिया। इस पार्क की एक स्पेशलिटी है कि यहाँ पे पूल बना रखा है, और यहाँ जब चाहे आप स्विमिंग करने आ सकते हैं, इट्स अ वेरी नाइस पूल, यू कैन सी, लुक एट दैट। और
यहाँ से सुरंग के नीचे से आप जा सकते हो दूसरी तरफ। अपने को कोई दिख तो रहा नहीं है, फिर भी देख के आए थोड़ा आगे से। तुम लोगों ने वो मूवी देखी है बिपाशा बासु की, राज? बहुत पुरानी मूवी है। उसमें लिटरली ऐसे सीन है कि दोनों तरफ पेड़ होते हैं, बीच में एक लंबा रोड होता है और फिर एक चिल्लाने की आवाज़ आती है, सबकी कान पड़ जाती है। सेम टाइप का सीनारी हो यहाँ पर भी, लेकिन मेरी गाड़ी नहीं पड़ती। सर हम लोग इस वाले सर्कल वाले एरिया में खेलते थे, नहीं तो अगर दिन अच्छा हुआ तो हमको यहाँ पे ये बड़ी वाली पिच मिल जाती थी खेलने के लिए। और इसको थोड़ा ढंग से दिखाता हूँ मैं, यहाँ खेलते थे हम तो, यहाँ पे हम या तो यहाँ से पिच लगा लेते हैं या वहाँ से लगा लेते थे, पूरा यहाँ से बॉलिंग वहाँ से, और पूरा एरिया रखते थे और बाउंड्री रखते थे हम। ये जो पेड़ अभी तुमको ये गिरा हुआ दिख रहा है पेड़, ये वाली बाउंड्री रहती थी हमारी, और चले जाते थे सिक्स आराम से, इतना कुछ मुश्किल नहीं था। अभी यहाँ पर एक बंदा नहीं है बेंच एक बंदा नहीं है, नहीं तो यहाँ पर भीड़ लगी रहती कि हमें पिच खेल, हमें पिच दे दो, हमें दे दो, हमें खेलना, हमें खेलना। अरे एक बंदा नहीं है यहाँ पे अभी, अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है और लिटरली कोई नहीं है, खाली पड़ा सुनसान। मज़ा नहीं आ रहा, खेलने का टाइम था ये, छुट्टी है, मज़ा आता लेकिन कोई है ही नहीं बेंच। चलो वापस चलते हैं। एक बार अगर तुम खुद की कंपनी इंजॉय करना सीख जाओगे ना, देन देर इज़ नो टर्निंग बैक। और ये एक तरीके से अच्छी बात है, मेरे लिए तो है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि किसी पे डिपेंड होना मुझे नहीं अच्छा लगता। कोई एक स्पेशल फ्रेंड है तो चलो तुम उसको अप्रोच कर लोगे, ठीक है, लेकिन बहुत सारे हैं तो फिर मुझे किसी पे भी डिपेंड होने का मन नहीं करता। अपने साथ रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, समझ रहे हो? क्योंकि अपने लिए तुम हमेशा प्रेजेंट रहोगे, कोई और तुम्हारे लिए रहे या ना रहे, ठीक है। ज्ञान पेलना मन करते हैं, मानसी बहुत देर से अकेली है, इसको लेके चलते हैं घोर। बेचारी बारिश में भीग गई, कोई बात नहीं, साफ हो गई, लेकिन चल घर चलते हैं। चाबी 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 कहाँ तेरी? ओह ये। सो मैं जा रहा हूँ घर और बाकी कल मिलेंगे। सो दिस इज़ मी विक्रम साइनिंग ऑफ।